हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अलिफ्स डायरी और आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड चिकन टिक्का दिस इज़ अ रियली ग्रेट आइटम फॉर पार्टी फॉर पिकनिक्स फॉर बारबेक्यू एंड इवन फॉर योर किड्स टिफिन बॉक्स सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर सुपर डिलीशियस एंड सुपर इजी फ्राइड चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन आप चाहे तो थाई पीसेस भी ले सकते हैं या ब्रेस्ट पीसेस भी ले सकते हैं कंप्लीटली योर चॉइस और ये एक्चुअली मैं पार्टी के लिए बना रही हूँ तो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है आप अपनी फैमिली साइज़ के हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं मसालों में मैंने लिया है गरम मसाला है कोरिएंडर पाउडर है रेड चिल्ली पाउडर चिकन टिक्का मसाला और चिकन तंदूरी मसाला सभी मसाले आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डालेंगे अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं कम तीखा पसंद करते हैं तो आप कम ले सकते हैं मेरे घर पे एक्चुअली फैमिली पार्टी है और बच्चे भी आने वाले हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पाइस लेवल अपना कम रखा है और जिंजर गार्लिक पेस्ट वी विल ऐड सॉल्ट एज पर योर टेस्ट एंड एज़ पर योर हेल्थ ज़्यादा नमक भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और वैसे भी हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सॉल्ट ऑलरेडी एडिड है तो आप अपने हिसाब से ही नमक डालिएगा साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे योगर्ट और सावर क्रीम रीज़न योगर्ट और सावर क्रीम डालने का ये है कि चिकन टिक्का जो होते हैं वो यूजुअली काफ़ी ड्राई हो जाते हैं अगर आप सावर क्रीम और योगर्ट डाल रहे हैं तो इससे आपके चिकन टिक्का जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बनेंगे तो इवन इफ यू आर यूजिंग थाई पीसेस नोबडी विल से दैट इट इज़ ड्राई पीसेस बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनते हैं मिक्स इट रियली मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और किया है मैरिनेशन के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन करना ज़रूरी है अदरवाइज हर बार सेम टेस्ट आता है तो मेरे पास में जो था सीजर सैलेड ड्रेसिंग थी गार्लिक की अ क्रीमी गार्लिक ड्रेसिंग तो वो भी मैंने थोड़ी सी ऐड करी इसके अंदर एंड मिक्स इट वेल और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं अदरवाइज़ मिनिमम थ्री टू फोर आवर्स इज़ गुड इनफ साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब हम चिकन पीसेस को इस के अंदर लगाकर और इसे डिश में रख लेंगे मैरिनेट होने के लिए और इन चिकन टिक्कास के अंदर मैं वेजीज ऐड नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ हम इसे फ्राई करेंगे ग्रिल नहीं तो आप चाहे तो साथ में ग्रिल वेजेस आप अलग से बनाकर आप प्लेटर में यूज़ कर सकते हैं तो बस ये इस तरह से तीन से चार पीसेस इज गुड इनफ बिकॉज़ यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो कढ़ाई है आपका जो वॉक साइज है दिस चिकन स्टिक्स शुड फिट इन दैट तो चलिए जट पर जो है स्कीर्स तैयार कर लेते हैं and enjoy the music मैं आपको बताती हूँ कि जो चिकन ये जो स्टिक्स होती है ये काफ़ी लंबी होती है और अगर आपके वॉक का साइज़ जो है वो छोटा है तो आप स्टिक्स को जो है आप ब्रेक कर लीजिए हाफ और उसकी जो टिप होती है उसे थोड़ा सा चूल्हे पर गरम कर लीजिए और इससे क्या होगा कि आपकी जो टिप है वो थोड़ी सी जो है सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी और दिखने में भी खूबसूरत लगेगी और आपकी जो वॉक साइज है वो उसमें इजीली फिट हो जाएगी तो ये था आपका टिप ऑफ द डे फॉर टुडे तो ये देखिए क्विकली एंड ईजिली हमारे चिकन टिक्काज़ जो है वो रेडी हो चुके हैं इसे हम ढककर मैरीनेट करने के लिए रख लेंगे मिनिमम फोर आवर्स एंड मैक्म ओवर नाइट मैं ओवर नाइट मैरीनेट करके रखूँगी और कल हम इसे करेंगे फ्राई चलिए जी अब हम करते हैं हमारे चिकन टिक्काज़ को फ्राई इसे हम कोट करेंगे इधर ब्रेड क्रम्स के अंदर या फिर सूजी के अंदर आई प्रेफर सूजी तो बस इस तरह से हम सूजी से इसे कोट कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो बस इस तरह से सूजी से हम इसे कोट कर लेंगे और उसे फाइव टू टेन मिनट्स सेट होने के लिए रख लेंगे अच्छा हमारा तेल जो है वो भी गर्म हो चुका है और ये हमारा एग का बैटर है उसके अंदर मैंने नमक काली मिर्च और थोड़ा सा वन स्पून मिल्क ऐड किया है इससे क्या होगा कि जब हम फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी आ, बबल्स नहीं आएंगे तो बस आप चिकन टिक्का को इस तरह से डिप करेंगे एग के अंदर और उसे हम फ्राई करेंगे दैट्स इट सी हाउ ईजी हाउ क्विक एंड सुपर डिलीशियस चिकन टिक्काज आर गेटिंग रेडी और ये डिश हमेशा पार्टी हिट होती है और दिखने में भी काफ़ी रिच लगती है आप चाहें तो मैरिनेट करके चिकन को और फ्रोजन करके भी रख सकते हैं इसे आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं मैकेट्स जो है वो लंच में भी लेकर जाते हैं एंड देर रियली एंजॉय देर रियली लव एट आई होप यू ऑल हैव एन्जॉयड दिस रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी आई लव टू सी योर कॉमेंट्स एंड आई लव टू सी योर फीडबैक्स अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड येस अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ में शेयर करना ना भूलिए है. मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ में तब तक गुड बाय टेक केयर एंड येस subscribe my channel Alif's Diary so this platter is ready and we are going to have it